हेलो स्टूडेंट, आज फिर आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर मैं अरुण पांडे मैथमेटिक्स के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एक बिंदु से एक रेखा के बीच की लंबवत दूरी। इसमें हम लोग सीखेंगे कि एक बिंदु से एक रेखा के बीच की लंबवत दूरी क्या होती है, और साथ ही साथ सीखेंगे कि एक बिंदु से एक रेखा पर डाले गए जो लंब पाद होंगे उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो चलिए आते हैं। हमारे पास एक बिंदु क्या है, P, H डैश वाई डैश जेड, ये हमने माना है एक बिंदु, और एक रेखा है R बराबर A प्लस लैम्डा बी या X माइनस X1 अपान A बराबर Y माइनस Y1 अपान B बराबर Z माइनस Z1 अपान ऐसा चीज। हम मानेंगे कि हमारे जो रेखा है इस पर एक बिंदु क्या है, L है। क्या है? तो यहां से क्या करेंगे, इसको मानेंगे इसकी वैल्यू किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर। तो लिखेंगे लैम्डा के किसी मान के लिए एल के निर्देशांक, इसके निर्देशांक एल के निर्देशांक, जो एल के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, देखिए यहां से एक्स बराबर हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ए लैम्डा प्लस एक्स वन, दूसरा वाई बराबर बी लैम्डा प्लस वाई वन, और जेड बराबर सी लैम्डा प्लस। अब देखिए ये L आ गया, लैम्डा के किसी मान पे L आ गया, हम क्या लिखेंगे कि PL एक रेखाखंड होगी, तो PL रेखाखंड के द्विभुज अनुपात निकालेंगे कैसे, X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1, Z2 माइनस Z1। अगर उसका हम नाम दे दें A डैश, तो क्या जाएगा A डैश के लिए देखिए X माइनस X1 तो जाएगा A लैम्डा प्लस X1 माइनस F। इसी प्रकार से B डैश की B लैम्डा प्लस Y1 माइनस Y डैश, और C डैश C लैम्डा प्लस Z1 माइनस, यहां से दिखल पता जाएगा। अब चूंकि PL लंबवत होगा रेखा, इसलिए A A डैश प्लस B B डैश प्लस C C डैश बराबर, क्योंकि ये भी ये लंबवत होगा इस पर 90 डिग्री, तो प्रतिबंध होता है लंबवत का दिखल पातों का गुणनफल बराबर गुणनफल का योगफल बराबर जीरो। यहां से हम किसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, जैसे ही लैम्डा की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी इस लैम्डा का मान कहां रखेंगे, इन तीनों में, तो क्या आ जाएगा एल के निर्देशांक, क्या जाएगा एल के निर्देशांक। और जैसे ही एल के निर्देशांक प्राप्त होंगे फिर हम क्या ज्ञात करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, किससे, दूरी सूत्र से। तो ये एक मेथड है, कोई फॉर्मूला नहीं है। करना क्या है, पहले रेखा पर एक बिंदु लेना है लैम्डा के रूप में, फिर पीएल का दिक अनुपात निकालना है, और पीएल रेखा पे लंब है तो लंब का प्रतिबंध रख करके लैम्डा का मान निकालना है। लैम्डा का मान निकलते ही बिंदु में रखेंगे तो क्या जाएगा, बिंदु के निर्देशांक। एक क्वेश्चन सॉल्व जो कहता है लंब पाद के निर्देशांक, और उसके बाद ये ज्ञात होते हैं इनके बीच की दूरी, यानी जो दूरी फॉर्मूला आपको बताया गया है। चलिए इस मेथड को समझने के लिए अच्छे ढंग से एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के आधार पर हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही सरल है, एक बार आप सॉल्व करेंगे तो आपको बड़े आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने बात यह है कि अगर कोई सदिश रूप भी दिया हो तो आप प्रयास करिए उसको कार्तीय रूप में बदल करके सॉल्व करिए, सदिश रूप को भी कार्तीय रूप, क्योंकि कार्तीय रूप यहाँ पे सरल होता है। तो चलिए हमारे पास एक बिंदु है थ्री माइनस वन और एक बिंदु पी, हमने मान लिया कह रहा है कि इस बिंदु से रेखा, रेखा कौन सा है एक्स बटा दो, कुछ भी ले सकते हैं y माइनस थ्री अपॉन टू, या यहां पर हम चेंज कर देते हैं y माइनस टू अपॉन थ्री कर देते हैं ऐसे, और बराबर तीसरा हो जाएगा z माइनस थ्री अपॉन, ऐसा कुछ लिख दिया। एग्जाम्पल दिया होगा आपको ध्यान नहीं देना, आपको मेथड को समझना है और सॉल्व। हमने माना कि लैम्डा के किसी वास्तविक मान के, किसके वास्तविक मान के लिए रेखा पर एक लंबवत बिंदु, या रेखा पर एक पी से लंबवत रेखा पर एक पी से लंबवत बिंदु, लंबवत बिंदु L, ऐसा इसे लिखते हैं। स्टेटमेंट है, इससे समझ में आ जाएगा हमने क्या सॉल्व किया।
एल, इसलिए एल के निर्देशांक, जो एल के निर्देशांक होंगे वो क्या हो जाएंगे, देखिए यहां से हमको क्या कर देंगे, यहां पे लैम्डा रख देंगे, क्या रख देंगे, तो यहां से क्या जाएगा एक्स बराबर टू लैम्डा, वाई बराबर थ्री लैम्डा प्लस टू, और जेड बराबर फोर लैम्डा प्लस, क्योंकि पी एल के दीर्घ अनुपात इसके अंदर क्यों कैसे दो बिंदु से एक्स टू माइनस एक्स वन से, तो यहां हम इसको लेते हैं ए डैश तो जगह एक्स टू माइनस एक्स, एक्स टू माइनस एक्स वन से, तो देखिए यहां पर एक्स टू एक्स वन, एक्स टू हमने ये माना है बिंदु दिया उसको एक्स वन मानेंगे, तो हो जाएगा देखिए यहां से आप यहां एक्स माइनस एक्स लिखेंगे तो हो जाएगा टू लैम्डा माइनस थ्री, यहां देखिए टू लैम्डा माइनस थ्री ये बिंदु हो गया एक्स दिया हुआ है, यहां से बी डैश y2 माइनस y3, क्योंकि जब दो बिंदु दिए होते हैं तो दीर्घ अनुपात ऐसे याद करते हैं, तो b डैश का मान यहां से y का मान 3 लैम्डा प्लस 2 और माइनस यहां से माइनस 1 तो ये आएगा माइनस 1, और ये सॉल्व करने में b डैश वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 लैम्डा प्लस, और ठीक इसी प्रकार से c डैश की वैल्यू ज्ञात करेंगे, किसके लिए ठीक हो जाएगा z2 माइनस z2 का मान हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 3 और माइनस 11, और सॉल्व करने क्या जाएगा 4 लैम्डा माइनस, ये तीनों बिंदु आ गए मतलब ए डैश बी डैश और सी डैश दीर्घ अनुपात आ गए, क्या गया दीर्घ अनुपात, हालांकि एल के निर्देशांक दे दिया गया क्योंकि हमें पता है, क्योंकि प्रश्नानुसार पी एल लंबवत होगा दिए गए रेखा, किस पर दिए गए रेखा पर, दिए गए रेखा पर अगर लंबवत होगा तो निश्चित तौर पर दिक अनुपातों का गुणनफल किसके आधार पर, दिक अनुपात के गुणनफल से, तो उस कंडीशन में यहां हम लेते हैं ए ए डैश प्लस बी बी डैश प्लस सी और सी डैश बराबर जीरो, क्योंकि लंबवत उत्पन्न होता है, चलिए ए ए डैश हमें पता है कि जो ए की वैल्यू है वो कितनी है 2 है, जो रेखा के दीर्घ अनुपात है ए डैश हमने निकाला है यहाँ पर 2 लैम्डा माइनस 3 प्लस बी डैश कितना हमारा यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर बी का मान 3 है और बी डैश का मान हमारा है 3 लैम्डा और प्लस 3, और सी का मान कितना है हमारा यहाँ पर 4 है, और सी डैश की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 लैम्डा माइनस 1 बराबर, चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ जाएगा 4 लैम्डा माइनस 3 6 प्लस 9 लैम्डा प्लस 9 और यहाँ से 4 चौक 16 लैम्डा माइनस 32 बराबर, यहाँ सॉल्व करेंगे 4 9 4 13 और 16 तो 16 और 4 20 में 29 लैम्डा 29 लैम्डा और बराबर यहाँ से माइनस 6 तो माइनस 32 32 6 38 और 38 9 कटाएंगे तो माइनस 29 उधर जाएगा तो 29, और यहां से हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा बराबर कितना आ गया, लैम्डा का कितना आ गया, ठीक है लैम्डा, हम क्या करेंगे इस लैम्डा का मान दिए गए इन निर्देशांकों में रखने पर, तो क्या लिखेंगे देखिए ध्यान दीजिए ये निर्देशांक दिए हुए हैं, इस बिंदु को हम इरेज नहीं करते हैं, क्यों इसको हम बाद में इरेज करेंगे क्योंकि इसी का आधार मान रखना है, क्या लिखेंगे यहां लिखे लैम्डा का मान एल के निर्देशांक में रखने, ठीक है एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 2 लैम्डा 2 इंटू 1 बराबर, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 लैम्डा 3 इंटू 1 प्लस 2 बराबर 3 इंटू 5, और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 4 इंटू 1 प्लस 3 और 4 3, तो देखिए ये हमने इरेज नहीं किया था तो यहाँ पर बोर्ड में हमें इरेज करना पड़ रहा है, हम इस मान में रखने पर देखिए इसको हमने इरेज कर दिया, अब ये क्वेश्चन कंटिन्यू हो गया कि लैम्डा का मान एल के निर्देशांक में रखने पर, क्योंकि वहां से अगर इरेज कर देते तो पॉइंट नहीं पाते, ठीक नहीं आपको सॉल्व करने हैं तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू प्राप्त होगी लैम्डा का, तो बिंदु क्या हो गए एल के निर्देशांक क्या हो गए, अतः रेखा पर लंब पाल के
निर्देशांक। पूछता है कि बिंदु से रेखा पर डाले गए लंबवत के निर्देशांक क्या होंगे, तो देखिए निर्देशांक क्या होंगे 2, 5 और कितना सरल है 2, 5 और 7। अब कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी, किस बीच की दूरी, दिए गए बिंदु से दिए, तो देखिए बिंदु दिया हुआ था आपके सामने, बिंदु दिया हुआ था, बिंदु क्या था, बिंदु था 3 - 1 = 11 लिखोगे, अतः बिंदु से, किससे, बिंदु से, बिंदु P से रेखा के बीच की लंबवत दूरी, तो D बराबर किससे कितना होता है, दूरी 15 से, तो इस D को क्या लिखेंगे, यहां पूछ सकते हैं PR बराबर D, चलिए तो यहां माना जाएगा x2 - x1, ठीक है, तो हमारा मान दिया हुआ है 2 माइनस, और यहां पे क्या था 3 था, तो 3 का होल स्क्वायर, फिर यहां से 5 माइनस, वहां क्या था -1 का होल स्क्वायर, और यहां से 7 माइनस, वहां क्या था 11 का होल स्क्वायर, जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 यहां 5 = 36 और यहां 7 में से 4 = 16, और हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 36, 16 और 1 कितना जाएगा 53। तो हमने क्या देखा, इस प्रकार से एक बिंदु से लंबवत के निर्देशांक क्या होता है वो ज्ञात किया, और फिर उनके बीच की दूरी ज्ञात की, सरल है। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, अगर कोई सदिश बिंदु दिया हुआ है तो इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक सदिश का एग्जांपल ले लेते हैं और बड़े आसान तरीके से बताते हैं कि सदिश के रूप में अगर दिया होगा तो उस बिंदु से बीच की दूरी कैसे आप ज्ञात करें। संपल है, सदिश दिया हुआ है, आपको क्या बनाना है, कार्तीय रूप, बिंदु दिया हुआ है, बिंदु 1, 2 और और सदिश लिख दिया हुआ है, रेखा का सदिश रूप, रेखा का सदिश रूप क्या दिया हुआ है, आर बराबर 6i, कुछ भी लिख सकते हैं 6i + 7j और प्लस 7 और प्लस लैम्डा 3i 2j और -2k, 3i + 2j - 2, ऐसा कुछ रूप दिया हुआ, ये वैल्यू प्राप्त हुआ, तो सदिश रूप दिया हुआ है यहां से और बिंदु दिया हुआ, कह रहा है इसके बीच की दूरी क्या थी, बीच की दूरी क्या थी, तो आपको तो सिंपल सी बात है, यहां से लैम्डा से हमने माना, फिर वही की रेखा पर एक बिंदु L, ठीक है, इसलिए L के बिंदु सदिश, L के बिंदु सदिश, इसको हम जोड़ लेंगे तो यहां से R का मान क्या हो जाएगा, आपको देखिए 6 + 3 λ, 6 + 3 λ प्लस यहां से, यहां तो कुछ करना ही है आपको, 7 + 2 λ और यहां से 7 - 2 λ, कितना सरल है, ये भी बहुत आसान तरीके से फॉलो, इसलिए L के निर्देशांक यहां से मान रखना है 6 + 3λ, 7 + 2λ, 7 - 2 L के निर्देशांक, इसलिए PL के द्विघात अनुपात, जो PL के द्विघात अनुपात होंगे वो है कि x2 - x1 से जब पहले सॉल्व किया a' लिखेंगे, देखिए 6λ 6 + 3λ - 1 हो जाएगा यहां पर 5 + यहां से b डैश का निकालते हैं, देखिए 7 + 2λ - 2 सॉल्व करेंगे साथ में दोगे 5 + और ठीक है, अगर c डैश निकालें तो 7 - 2λ और यहां से -3, तो देखिए 7 - 3 यहां 4 हो जाएगा 7 - 3 - अब क्योंकि PL दिए गए रेखा पर क्या है लंबवत, तो कंडीशन वही रहेगा a a' + b b' + c c' = b। अब यहां देखिए मान रखेंगे a' + b b' + c c' = b, जब मान रखेंगे तो मान में क्या जाएगा, यहां से ध्यान देंगे तो
ए ए डैश, तो रेखा के इंटीग्रल को आता हूं कितने हैं आपको पता है, जो बी में था, बी में जो सदिश था वो कितना था, 3, 2 और -2, ठीक है, 3 ए डैश, ए डैश करो 5 + 3λ प्लस 2, क्योंकि उसमें 2 था, यहां बी डैश 5 + 2λ और प्लस क्या था वहां से -2 था और यहां पर 4 - 0 = 0। चलिए हल करते हैं यहां से, 15 + 9λ 10 + 4λ -8 + 4λ बराबर। देखिए 9, 4, 13, 4, 17, ठीक है, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 17λ आ जाएगा। और यहां देखिए 15 + 25, 25 - 8 बराबर यहां जाएगा कितना, 15 + 25 - 8 + 17, क्योंकि 25 + 8 के, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब क्या देखेंगे, लैम्डा का मान एल के निर्देशांक में रखने, तो देखिए जब रखेंगे तो यहां से हमने इसको इरेज नहीं किया है, निर्देशांक रखेंगे, तो देखिए पहले मैं बिंदु रख देता हूं, तो एल के निर्देशांक क्या जाएंगे, एल के निर्देशांक, यहां एल के निर्देशांक, अब इसको इरेज कर दूंगा मैं, यहां जाएगा 6 + 3λ 3 × λ, तो 3 × 1 कितना जाएगा यहां पर 9। इसी प्रकार से दूसरा 7 + 2λ 2 × यहां से नहीं, लैम्डा का -1 है -1, तो यहां पर आपका मान ये हो जाएगा -1, तो 6 + 3 में यहां जाएगा 3, कितना कहते हैं यहां पे 2 × -1 यहां जाएगा 5, और तीसरा 7 - 2λ -1 यहां कितना जाएगा, तो यल के निर्देशांक क्या हो गए, अब यहां से इसको इरेज कर देंगे क्योंकि ये मान हमने इसलिए इरेज नहीं किया था जिससे कि आपको समझ में आता रहे कि हमने रखना का है मान, तो देखिए क्रम से बिंदु आ गए, तो यल के निर्देशांक कितने हो गए 3, 5 और जिसको क्या बोलते हैं, ये लंब पाद के निर्देशांक क्या है, लंब पाद के निर्देशांक, ये लंबपात के निर्देशांक, अब लंबपात के निर्देशांक आ गए, अब क्या ज्ञात करना आपको, बिंदु के बीच की दूरी अर्थात बिंदु से रेखा के बीच की लंबवत दूरी, क्या कहते हैं, बिंदु से रेखा के बीच की लंबवत, चलिए लंबवत दूरी का डिस्टेंस फॉर्मूला डी बराबर अंडर रूट x2 - x1 यहाँ 3 - 1 क्योंकि बिंदु दिया था 1, 2, 3 दिया था 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - दूसरा दिया 2 था 2 का होल स्क्वायर और प्लस 9 - 3 का होल स्क्वायर, और जैसे ही ये प्राप्त करेंगे तो यह जाएगा 2 में से 2 का स्क्वायर 4 यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ 36 अंडर रूट, और यहाँ जाएगा अंडर रूट 49 और बराबर कितना जाएगा 7 इकाई। तो आपने देखा सदिश रूप भी है या कार्तीय रूप भी है, आप दोनों को कार्तीय रूप से सॉल्व कर सकते हैं, केवल एक मेथड के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से, इस वीडियो के आधार पे आप कई एग्जांपल और लीजिए और उसको सॉल्व करिए, कहीं अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट पूछिए, आपका जो भी होगा रिजल्ट वो आपको दिया जाएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी उसका आपको बताया जाएगा। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ देंगे। जय हिंद।